तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बिहार बोर्ड से। जिन बच्चों ने 2024 में इंटर पास किया है यानी कि 12 क्लास पास किया है, ऐसे सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप का अप्लाई शुरू हो चुका है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं CSSS। इसके लिए अप्लाई शुरू हो चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुका है, इसका लिस्ट जारी हो चुका है। लिस्ट को डाउनलोड करने का, देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो ये अब सवाल तीन तीन हमारे सामने है। पहला सवाल तो ये है कि जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है वो कैसे अप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है कि जिनका लिस्ट में नाम है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, NSP के पोर्टल पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 85% आया है, 90% आया है, या फिर 95% आया फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। या फिर ये भी देखा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का नाम है, BC1 का नाम नहीं है, या फिर BC2 का नाम नहीं है, SC ST का नाम नहीं है, ऐसे बच्चे क्या करेंगे। एक और सवाल बच्चों के सामने ये आता है, बच्चों का हमारे सामने ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंटर पास करने के बाद BA में या फिर BSc में या फिर BCom में एडमिशन ही नहीं करवाया, तो क्या ऐसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी ने एडमिशन तो करवाया लेकिन BA BSc BCom में नहीं बल्कि कोई और कोर्स में एडमिशन कराया, कोई टेक्निकल कोर्स है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डिग्री ले रहा है, तो इस तरह के कोर्स करने वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सारी बातें क्लियर होंगी इस वीडियो में। पहले तो आप जान लीजिए कि इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024 तक, और अप्लाई करने के लिए आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर जो है ना लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है। अगर लिंक नहीं रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये बात पहले ध्यान में रखना है। और अप्लाई करना भी है तो 31 अक्टूबर से पहले पहले करना है। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। जिनका लिस्ट में नाम है उनको तो कोई टेंशन नहीं, वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है ऐसे बच्चे क्या करें कि वो जो है ना 31 अक्टूबर से पहले पहले NSP के पोर्टल पर जाएं और अप्लाई करने का प्रयास करें। अगर अप्लाई हो जाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं था फिर भी अप्लाई हो गया, अगर आपका भी अप्लाई हो जाता है तो समझिए कि आपको भी पैसा मिलेगा। और पैसा मिलता कितना है, 12,000 मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर, उसके बाद फिर 12,000 मिलेगा आपको सेकंड ईयर, फिर 12,000 मिलेगा आपको थर्ड ईयर। और अगर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अगर आप चाहें कि हम MA MSc MCom भी करें, मास्टर की डिग्री भी लें, तो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा 20,000, उसके अगले साल में सेकंड ईयर में मिलेगा फिर से 20,000, तो पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो अगर आपका नाम नहीं है तो अप्लाई करके देखें, अप्लाई हो गया टेंशन खत्म, आपको पैसा मिलेगा। दूसरी बात हम करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने BA BSc BCom में एडमिशन लिया ही नहीं, यानी कि उन्होंने इंटर करने के बाद पढ़ाई को छोड़ दिया, तो ऐसे बच्चों को अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ना अपलोड करना पड़ता है फी रिसिप्ट। और सिर्फ अपलोड ही नहीं करना पड़ता है, आपको अपना कॉलेज भी चुनना पड़ता है कि आप वर्तमान में ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो किस कॉलेज से कर रहे हैं, तो कॉलेज भी चुनना पड़ेगा। और जब आप नाम ही नहीं लिखवाएंगे कहीं तो किस कॉलेज को चुनिएगा। और जैसे ही आप कॉलेज चुनते हैं ना, उस कॉलेज के लॉगिन आईडी में आपका आवेदन अग्रसारित हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, वहां से वो लोग वेरीफाई करते हैं। तो इसलिए आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर एडमिशन नहीं लिया आगे तो अप्लाई नहीं कर सकते, इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सवाल ये करते हैं कि हमने BA BSc BCom में एडमिशन नहीं लिया, हमने एडमिशन लिया किस में, तो हम कोई और टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या कोई और भी ऐसा कोर्स जो कि इंटर के बाद हम कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही कोई और ही कोर्स क्यों ना हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बशर्ते कि जहां पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम NSP पर होना चाहिए, उस कॉलेज का, उस इंस्टीट्यूट का नाम NSP पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। अगर नाम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये NSP का जो स्कॉलरशिप है इसके लिए अब बिहार बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। बिहार बोर्ड ने लिस्ट जारी कर दिया, उस लिस्ट में आपको नाम देखना है, अप्लाई करना है NSP पर। अब इसमें बिहार बोर्ड का कोई रोल नहीं है, आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके लिए कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की नहीं है। आपको अप्लाई करना है NSP पर, और NSP जो है वो नेशनल एक पोर्टल है, यानी कि वो पूरे देश भर का है, केवल बिहार का नहीं है, पूरे इंडिया के सभी राज्य के सभी स्टेट के बच्चे वहाँ अप्लाई करते हैं। तो इसलिए अब बिहार बोर्ड का वहाँ कोई रोल नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और शर्तों के रूप में बताई गई है कि अपना अप्लाई करते समय रोल नंबर डालेंगे तो इस रूप में डालेंगे, साथ ही साथ जो भी NSP की शर्तें हैं उनका भी पालन करना होगा। और आपका जो अभिभावक है आपके, उनके नाम से अगर आय बनवाया है आपने, इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है, तो 4.5 लाख रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। देखिए, +2 स्नातक और तकनीकी स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी शिक्षण प्रधान को भी ये निर्देश दिया गया कि आपके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अपने संस्था में जानकारी दें, बच्चों को इसके बारे में जागरूक करें, जानकारी पहुँचाएँ। तो 31 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई जरूर करें, अच्छे खासे पैसे आपको मिलने वाले हैं। अगले अपडेट के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।